कार स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आज आपको पता है कि आज आपका संस्कृत का पेपर हुआ है कक्षा आठवीं का। तो कक्षा आठवीं का जो पेपर हुआ है उसकी क्या आंसर की होनी चाहिए, क्या आंसर होने चाहिए, इस विषय पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है आपका जो पेपर है चार भागों में विभक्त था। तो सबसे पहले खंड का करते हैं, जिसमें क्या था बेटा, एक अपठित पैराग्राफ आया था। इस पैराग्राफ को पढ़ करके आपको उत्तर देना था। तो देखो बेटा, सबसे पहले आपको करना है बेटा क्या है, एक पदेन उत्तर। तो एक पदेन में पहला प्रश्न क्या था, भारतवर्षे आधुनिक कालस्य महान विद्वान दार्शनिक कह अस्ति। ठीक है बेटा, इसके उत्तर में बेटा आप क्या लिखोगे, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न क्या है बेटा, शिक्षक दिवसे कह देव रूप पूजनीय, इसके उत्तर में भी आप लिखोगे सर्वपल्ली राधा कृष्णन। यानी दोनों ही उत्तर में आपको क्या लिखना था, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। जनाः राधाकृष्ण महोदयस्य वैदुष्यं कस्मिन् क्षेत्रे स्मरन्ति, तो इसका उत्तर लिखोगे बेटा शिक्षा क्षेत्रे। ठीक है, अगला प्रश्न है, राधाकृष्णन आजीवनम पुत्र शिक्षक रूपेण कार्यम अकरोत, तो उत्तर लिखोगे विश्वविद्यालयेषु। ठीक है, इस प्रकार जो है आप इस प्रश्नों इन प्रश्नों के जो है उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा हमारा बेटा जो कि है पूर्ण वाक्यन, पहला प्रश्न क्या है, कृतज्ञो देशः राधाकृष्णन इत्यस्य जन्मदिवसम केन रूपेण मान्यति, तो इसका उत्तर बेटा जब आप अपने पैराग्राफ में देखने जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ देखिए ध्यान से, कृतज्ञो देशः तस्यैव जन्मदिवसं सितंबर मासस्य पंचम दिनांके शिक्षक दिवस इति रूपेण मान्यति। ठीक है बेटा, तो आप जो है इस प्रकार उसका उत्तर दे सकते थे। अगला हमारा प्रश्न क्या है, शिक्षकाः कस्य निर्मातारः सन्ति, इसके उत्तर में बेटा क्या लिखोगे आप ध्यान से देखिए, शिक्षकाः समाजस्य निर्मातारः सन्ति। ठीक है, इस प्रकार जो है आपको उत्तर लिखना था। अगला है बेटा हमारा निर्देशानुसारम उत्तर, तो जिसमें पहला प्रश्न क्या है, आसीत इस शब्द के लिए गद्यांश में कौन सा कर्तृपद प्रयोग किया गया है, तो उत्तर लिखोगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, अगला है विद्वान दार्शनिक इस शब्द के लिए गद्यांश में कौन सा विशेष प्रयोग किया गया है, तो इसके उत्तर में क्या लिखोगे, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार आपके दो उत्तर दो प्रश्न हो गए। तीसरा है बेटा हमारा कि पांडित्यम इति पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम, तो इसके उत्तर में लिखोगे वैदुष्यम। ठीक है, तो बेटा अगला प्रश्न हमारा क्या है कि अनुच्छेद के लिए एक आपको शीर्षक लिखना था, शीर्षक में आप लिख सकते थे सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार जो है आपका जो खंड का है पूरा हुआ। खंड खा में क्या है बेटा, एक चित्र आया था, चित्र को देख करके आप पांच वाक्य बनाने थे। तो देखिए कितना आसान सा चित्र आया था, इदम चित्रम सुंदरम अस्ति, इदम चित्रम अस्ति, चित्रे पाकशाला अस्ति, चित्रे वस्तूनि सन्ति, चित्रे शाकानि सन्ति, चित्रे वाष्प चुल्ली अस्ति, चित्रे वातायनम अस्ति, चित्रे पात्र धानी अस्ति, चित्रे कंसः अस्ति, चित्रे पात्राणि सन्ति, चित्रे वस्त्रम अस्ति। कितना आसान सा चित्र वर्णन आया था, आप बड़ी ही आसानी से पांच क्या है आप तो 10-15 वाक्य भी बना सकते थे। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न क्या है बेटा, जिसमें आपको वाक्य बनाने हैं। देखिए बेटा गुहायाम, गुहा गुफा में कौन रहता है, तो सिंह, सिंह का काम देखो सिंह आसीत। ठीक है, गुहायाम सिंह आसीत। वृक्ष में कौन रहती बेटा, तो बताओगे पिकहा, पिकहा क्या करते बेटा, कूजती। ठीक है, पूर्व दिशायाम सूर्य, सूर्य क्या होता है बेटा, उदेती। छात्र गुरु नमति, इस प्रकार जो है आपको क्या करना था, मिलान करना था। ठीक है, खंडगा जो कि है व्याकरणात्मक व्याकरणात्मक प्रश्न है, इसमें सबसे पहले आपको बताना था बेटा कि नास्ति का जो है संधि विच्छेद करना था, उत्तर क्या लिखोगे बेटा, ना जमा अश्मि, नास्मि का क्या होगा, ना जमा अश्मि। अगला बेटा अध्ययन अभिलाषा को जब अलग अलग करने जाओगे तो क्या बन जाएगा, अध्ययन अभिलाषा। इत्यादि का जब अलग अलग करने जाओगे तो बन जाएगा इति जमा आद्य। और हमारा चौथा क्या है, प्राचीन इतिहासे, जब इसे जो है आप अलग करने जाओगे तो बन जाएगा प्राचीन इतिहासे। ठीक है बेटा, अगला हमारा प्रश्न था जिसमें आपको अव्यय बताने हैं, तो पहला क्या है बेटा, आहार को अलग अलग करने जाओगे तो क्या होगा, आ जमा में हा रहा। विकीर्ण को जोड़ना है बेटा, तो इस प्लस को हटा देना है, क्या बनेगा विकीर्ण। यहाँ पर सु जमा स्थिति, स्थिति को जोड़ना है तो जो बीच में प्लस का निशान इसे हटाओगे बनेगा सुस्थिति। विशेषणम को करोगे क्या होगा, वी जमा शेषणम। ठीक है, इस प्रकार जो है आपको इसका उत्तर देना है। अगला क्या करना बेटा, अगला आपको रिक्त स्थान भरने थे। देखिए अत्रैवोक्तम न बुध्यते, ठीक है, नदी नाम जलम सर्वदा
पीयूष तुल्यम तुल्यम, ठीक है। तस्याः माता लक्ष्मीबाई, पिता च खंडोजी इति अभिहितौ। और जो लास्ट में बचा है बेटा वो आपको लिख देना है, लास्ट में क्या बचा है यहाँ पर, यत्र, ठीक है बेटा। आइए बेटा करते हैं बेटा अगला प्रश्न, जो कि है प्रश्न संख्या 7। यहाँ आपको संख्या लिखनी थी, ठीक है। तो देखिए बेटा 89 को क्या कहते हैं बेटा, नवो आशीति, नवाशीति ही, ठीक है। 19 को क्या कहते हैं, एकोनविंशति। 47 को क्या कहते हैं, सप्तचत्वारिंशत्। और यहाँ पर 23 को क्या कहते हैं, त्रयोविंशति ही, ठीक है। इस प्रकार जो है आप क्या करेंगे, इसका उत्तर दोगे। अगला प्रश्न है बेटा प्रश्न संख्या 8, जहाँ पर आपको क्या करना है, रिक्त स्थान भरना है। पहले के उत्तर में क्या लिखोगे बेटा, गुहायाम। दूसरे के उत्तर में पात्राणी। तीसरे के उत्तर में दुखम। तीसरे और चौथे के उत्तर में लिखो प्लास्टिक स्यूतानी, ठीक है, स्यूतानी। इस प्रकार जो है आपको उत्तर देना था। अगले प्रश्न में भी आपको क्या करना है, रिक्त स्थान भरना है। वयम क्या लिखोगे, गच्छामः। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ आसीत। ग्रामे एका नदी वहती, परमिंदरः पश्यति, ठीक है। इस प्रकार जो है आपको उत्तर देना था। अगला प्रश्न है जो कि एक गद्यखंड आया था, गद्यखंडों का क्या करना है बेटा, पढ़ना है फिर उत्तर देना है। पहले के उत्तर में लिखोगे सूर्यः। दूसरे के उत्तर में भी आपको क्या लिखना है, सूर्यः। तीसरा देखिए, संप्रति सुस्थापितः कः सिद्धान्तः। तो इसका उत्तर आपको क्या करना है बेटा, पैराग्राफ में देखना है। और पैराग्राफ में देखोगे तो क्या लिखेगा बेटा, सूर्यो अचलः पृथ्वी चाचला स्वकीय अक्षे घूर्णति इति साम्प्रतम सुस्थापितः सिद्धान्तः। यहाँ तक जो है आपको लिखना था, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्च कहयासीत। उत्तर में क्या लिखोगे बेटा, महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्च आर्यभट्ट आसीत, ठीक है बेटा। इस प्रकार आपको लिखना है। अगला क्या है बेटा, यथा निर्देशम उत्तर। तो इसमें बेटा क्या कहा गया है कि आर्यभट्ट गणितज्ञ में आपको विशेष्य पद ढूंढना था। इसमें विशेष्य पद क्या है हमारा, आर्यभट्ट। मनुष्य पद से पर्याय पदम गद्यांश प्रयुक्तम, तो लिखोगे मानवाह, ठीक है। अगला क्या है, मानवाह नौकाम स्त्रीनाम अनुभवंती। यहाँ पर आपको क्या बताना था बेटा, क्रियापद। यहाँ पर क्रियापद क्या है, अनुभवती, ठीक है। दसवां प्रश्न क्या है बेटा, एक श्लोक आया था, इस श्लोक को पढ़ करके उत्तर देना था। दृष्टिपूतम किम से, तो उत्तर लिखोगे पादम, ठीक है। केन पूतम जलम विभेद, उत्तर लिखोगे वस्त्रम। पूर्ण वाक्य उत्तर, तो मनुष्य कथम भूताम वाचम वदेत, उत्तर लिखोगे सत्यपूताम वदेत वाचम, ठीक है बेटा। आगे देखिए, मनुष्य केन पूतम समाचरेत, तो लिखोगे मनः पूतम समाचरेत। इस प्रकार जो है क्या करना है, आपको उत्तर देना है। यथा निर्देशम उत्तर में देख लीजिए, जलम शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो बताओगे द्वितीय विभक्ति है। पवित्रम शब्द का पर्याय पद पूछा गया, तो लिखोगे पूतम, ठीक है। असत्य शब्द का क्या होगा बेटा, विलोम, तो आप बताओगे सर ये तो बड़ा आसान आया था, ये तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्यम। 11वां प्रश्न क्या है बेटा, एक संवाद आया हुआ था, इसको पढ़ करके आपको उत्तर देना है, जिसमें पहले का उत्तर होगा प्लास्टिकस्यो, दूसरे का उत्तर होगा पशुवः। पूर्ण वाक्य में प्लास्टिकस्यो मृत्तिकायाम लया भवात किम भवती, उत्तर क्या लिखोगे बेटा। देखिए पहले ही लाइन आपको लिखनी थी, देख लीजिए ध्यान सर के, पहले ही लाइन, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायाम लया भवात अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। दूसरा प्रश्न क्या था बेटा, पूर्व केन केन निर्मितानि वस्तूनि प्राप्स्यन्ते इस्म, इसके उत्तर में क्या लिखोगे बेटा। देखिए दूसरी लाइन आपको यहाँ से यहाँ तक उतारनी थी, पूर्वम तु कर्पासेनो चर्मणा लौहेनो लाक्षया मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्स्यन्ते इस्म, ठीक है बेटा। निर्देशानुसार हम उत्तर में देख लीजिए, नदी जल में कौन सी विभक्ति है, तो बताओगे सप्तमी विभक्ति है। बहुविधानि पात्राणि में यहाँ पर विशेषण पद कौन सा है, तो बताओगे बहुविधानि है। अध्यापका नाम के लिए पर्याय पद कौन सा है, तो उत्तर लिखोगे शिक्षकाणाम, क्या लिखोगे शिक्षकाणाम, ठीक है। 12वां प्रश्न क्या है बेटा, जिसमें आपको बताना था, अन्वय करना था, ठीक है, श्लोक को पूरा करना है। तो पहले में लिखोगे सहेते, दूसरे में वर्ष सतई हो, और तीसरे में लिखना था कर्तुः, ठीक है। आखिरी प्रश्न में आपको अपने पाठ्यपुस्तक के 2 श्लोक लिखने थे। आशा करता हूँ सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से पेपर दिया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।